शासन द्वारा 2 मई को किसान कल्याण कार्यशाला आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि किसान कल्याण कार्यशाला 2 मई को विकास खंड स्तर पर आयोजित की जाएगी एवं सभी विभागों द्वारा सक्रिय सहभागिता की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय दोगुना किए जाने संबंधी कार्य और रणनीति को कृषकों तक पहुंचाना है तथा जनपद में क्रियान्वित केंद्रीय एवं राज्य की उपज वृद्धि की योजनाओं से कृषकों को परिचित कराना है। विकास खंड स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों के 5 प्रगतिशील कृषकों को चिन्हित करते हुए कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानित किया जाना है। उन्होंने बताया कि सम्मानित किए जाने वाले प्रगतिशील कृषकों द्वारा अन्य कृषकों को जानकारी प्रदान की जाएगी एवं सफलता के गुर बताए जाएंगे। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन को अग्रसारित न किए जाने के कारण छात्राओं को नहीं मिल पा रही है। परेशान छात्राओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर छात्रवृत्ति दिलाने की मांग किया। मामला मुबारकपुर के मिल्लत गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची छात्राओं ने बताया कि छात्रवृत्ति न मिलने से हमें पढ़ाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का मामला है कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है और इससे पहले भी आ चुकी थी। इस बार हम लोग की छात्रवृत्ति नहीं आई है जिसके कारण हम लोग अपने दोस्त को लेकर अल्पसंख्यक पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हाँ, हम लोग भेज चुके थे तो हम लोग की छात्रवृत्ति इस बार नहीं आई है, उसी के कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी छात्रवृत्ति हम लोग को चाहिए। क्या दिक्कत है? हमारा पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर आएंगे ना। हाँ, वो तो हो रही है। क्या बाधित हो रही है? तो सब लड़कियाँ मतलब बहुत सी होती हैं, कुछ अमीर होती हैं, कुछ गरीब होती हैं। जो गरीब है उनका पैसा कहाँ से मिलेगा? बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी वो इन्हीं पैसों से पढ़ती हैं, जिनसे कुछ काम भी करती हैं। सारे मतलब एक जैसे तो नहीं ना होते हैं कि वो इसी से पढ़ लेंगे खा लेंगे। तो हम लोग को हमारा पैसा चाहिए, हमारी छात्रवृत्ति चाहिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए। हमारी जो छात्रवृत्ति है वो आई नहीं है। जब हमने एप्लीकेशन डाला तो उससे ये पता चला है कि अल्पसंख्यक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमारी मांगे को नहीं पूरी करना चाहिए, मतलब उन्होंने रद्द कर दिया है, तो रोक दिया है। और छात्रवृत्ति हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम साल में सारी चीजें उसी से करते हैं, पढ़ाई लिखाई और मतलब बुक्स वुक्स लेना वैसे उसी से करते हैं। ना मिलने से बहुत सी प्रॉब्लम होती है, हम आगे भी नहीं पढ़ पाएंगे इससे। हम आगे अगर जाना चाहेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति हमको मिले और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। इस मामले में कॉलेज के कर्मचारी आमिर फहीम का कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति न दिए जाने का कारण वर्ष 2007 से 12 तक संस्था की प्रिंसिपल पर गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज होना बताया है। उन्होंने कहा कि मामला तत्कालीन प्रिंसिपल पर दर्ज है, इसमें कॉलेज की छात्राओं का क्या लेना देना। हम मुबारकपुर से आए हुए हैं, मिल्लत गर्ल्स इंटर कॉलेज से, वहाँ की छात्राएं आई हुई हैं। इनकी छात्रवृत्ति नहीं आई थी इस बार, तो इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को और उच्च अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से। तो कल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में 2007 से 2012 तक एक गबन हुआ है इस संस्था में, इसलिए उससे संबद्ध छात्राओं को छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है आवेदन ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं किया गया है। जो गबन का मामला उन्होंने अपने लेटर में लिखा है सही से भी उन्होंने जानकारी नहीं ली, वो मामला कुछ और था, इन्होंने किसी और तरफ उसको मोड़ दिया। मामला हमने शिकायत की थी, मेरी शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय डॉक्टर अर्चना सिंह साहबा, श्री सुनील सिंह अपर सांख्यिकी अधिकारी और तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्र साहब ने जाँच की थी और उसमें 31 लाख का गबन पाया गया था।
उस गबन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की भी संलिप्तता दर्शाई गई थी, मगर सिर्फ प्रधानाचार्य श्रीमती नसरीन बानो पर FIR हुई। अब वो नसरीन बानो हमारे विद्यालय में नहीं है, 2014 में ही वो छोड़ दी थी विद्यालय, और इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक विद्यालय में वो परमानेंट टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं और उन्हें सैलरी मिल रही है। अब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय का ये कहना कि चूंकि वो गबन हुआ था इसलिए हमने ये रोक दिया, तो जनपद में 150 करोड़ रुपए की का गबन सामने आया है। इन्होंने कितने विद्यालयों की छात्रवृत्ति रोकी है? इन्होंने एक भी विद्यालय, सिर्फ हमारे विद्यालय की छात्रवृत्ति रोकी है। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संलिप्तता जब सामने आई थी, दर्शाई गई थी जांच रिपोर्ट में, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर मान लिया जाए इनकी बात कि विद्यालय दोषी था, गबन किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुआ, मुकदमा चल रहा है उस प्रिंसिपल के खिलाफ, विद्यालय के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो छात्राओं का उसमें दोष क्या था? छात्राओं का इन्होंने क्यों कहा कि हम जो है इनका फॉरवर्ड नहीं करेंगे? और ये धमकी दे रहे हैं कि हम इस बार ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं, महोदय आप ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है कि आप जो चाहेंगे कर देंगे। हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करना जानते हैं और जहां तक हो सकेगा हम अल्पसंख्यक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जाएंगे और शासन में भी जाएंगे। अभी DM साहब ने कहा कि यदि कोई मामला हुआ था पूर्व में, उनके खिलाफ FIR हुई, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हुई, लेकिन स्कूल का इसमें क्या दोष था, इन छात्राओं का क्या दोष था, इनकी छात्रवृत्ति का फॉर्म क्यों नहीं फॉरवर्ड किया गया? तो अब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इधर उधर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए सीधी बात है, एक समय था जब अल्पसंख्यक विभाग 30% लेता था और कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था, जिसकी हम लोगों ने शिकायत की थी 2013 में, और उसके बाद से अब छात्राओं के अकाउंट में सीधे जाता है पैसा। तो अब जाहिर है कि हम कार्यालय में जाते हैं, कोई रिसीविंग तो देता नहीं है। अगर हमने हार्ड कॉपी नहीं जमा की थी तो इन्होंने जो कल पत्र लिखा उसमें इस बात को मेंशन क्यों नहीं किया कि हार्ड कॉपी इनकी नहीं हुई? इन्होंने तो राम कहानी दूसरी लिख दी, न खुदा मिला, न विशाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। जब इनको कुछ नहीं मिला तो अब कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी नहीं जमा की थी। हार्ड कॉपी का क्या मतलब है? हमने सब कुछ उस पर अपलोड किया हुआ है, जब ऑनलाइन आवेदन हो गया, सब कुछ अपलोड हुआ है, तो हार्ड कॉपी का क्या मतलब? यदि हमने नहीं जमा किया था, हमने जमा किया था, यदि नहीं जमा किया था तो आपने एक पत्र लिख करके क्यों नहीं जताया कि आप हार्ड कॉपी जमा करें? जब सिर्फ हमारा विद्यालय हार्ड कॉपी जमा नहीं किया था तो आपने क्यों नहीं बताया, और कल के पत्र में आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जब आप फंसते हुए नजर आए तो आप कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी नहीं जमा की थी। DM साहब ने कहा है, DM साहब ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी महोदय डॉक्टर अर्चना सिंह को नामित किया है, और अब हमें पूरा विश्वास है कि इनकी ईमानदारी या कितने ईमानदार हैं सब सामने आ जाएगा। जनपद में जितना अल्पसंख्यक विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे पहले भी जांच हुई है, संलिप्तता पाई गई है, कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी का कहना है कि छात्राओं को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली, इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी विभाग का कर्मचारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इंटर कॉलेज के भी बच्चे आए थे और उनका कहना है कि उनको छात्रवृत्ति 17-18 में नहीं मिल पाई, और उनका आरोप यह है कि जानबूझकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उनके कर्मचारियों ने उनके आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं कराई, और इस प्रकार बच्चे वंचित रह गए। तो पूरे मामले की हम जांच कराते हैं, जैसा कि आपके सामने भी पक्ष रखा, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सहयोग से उपस्थित थे, और उनका ये कहना था कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उन्हें हार्ड कॉपी भी संस्था अध्यक्ष को उपलब्ध करानी चाहिए थी, और हार्ड कॉपी न होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। पहले भी संस्था पर FIR हो चुकी है, प्रधान अध्यापक पर, पूर्व में छात्रवृत्ति के गबन के मामले में। अब दोनों के अपने अपने पक्ष हैं तो इसकी जाँच कराना जरूरी है, इसकी जांच हम करा रहे हैं। देखिए पिछली जो केस है उस पर तो FIR हो चुकी है, उसकी जांच हो रही है, जो भी जिम्मेदार होगा, विभाग का होगा या संस्था के लोग होंगे, तो कार्रवाई होगी, उस पर चल रही है। अभी इस पर भी जांच कराएंगे, अगर विभाग के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे तो उन पर भी कार्रवाई।
शासन के निर्देश पर 23 से 30 अप्रैल तक 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आरटीओ विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। गुरुवार को करतारपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल, चिल्ड्रन कॉलेज और सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए शपथ दिलाई। बच्चों को बताया गया कि तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए, नशे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम यातायात संबंधी सड़क नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे तथा अन्य को भी उपयोग के लिए तैयारी करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम व्यस्त होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान करेंगे। हम कभी भी नशे की हर स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। इस अवसर पर सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एसपी दास ने अनुरोध किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन न चलाएं और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। दो बड़े अधिकारी आए हैं और असेंबली में आप लोग रोड सेफ्टी, रोड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिटेल्स में बताए हैं और स्टूडेंट्स को ओथ दिलाया गया है, प्रतिज्ञा, छात्र प्रतिज्ञा कराया गया है कि जब भी रोड में उन लोग निकलेंगे, ड्राइविंग करेंगे तो रोड सेफ्टी का पालन करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको अच्छा से पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करेंगे रास्ते में। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रेन ऑल्सो, फॉर अदर पेडेस्ट्रियंस ऑल्सो, फॉर अदर पीपल ऑल्सो, ये उसके सेफ्टी के लिए है, पूरा फैमिली के सेफ्टी के लिए है। और बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स एंड माइनर नॉट एडल्ट, तो इसीलिए उन लोगों से प्रतिज्ञा कराया गया कि उन लोग कभी भी बाइक्स नहीं चलाएंगे, कार नहीं चलाएंगे, फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स कुछ भी नहीं चलाएंगे, और अगर पीछे बैठे रहते हैं तो हेलमेट जरूर पहनेंगे, कार में अगर है, फोर व्हीलर्स में है, सामने बैठे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, जहां क्रॉसिंग है वहां सिग्नल्स देखेंगे, सिग्नल्स को नहीं तोड़ेंगे। ये सारे जानकारियां अधिकारी लोग दिए हैं एंड टू सम एक्सटेंट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द रोड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और पिछले साल भी हम लोग कहीं सेमिनार हुआ था, एसएसपी एआरटीओ डिपार्टमेंट से आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और आई एम श्योर आवर स्टूडेंट्स विल फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को शपथ दिलाए जाने को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी दरोगा सिंह का कहना है कि बच्चों को कम उम्र से ही यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नारा ही नहीं अपनी जीवन शैली बनाए। आज इस सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया हम लोग मना रहे हैं,
23 से 30 है, भारत सरकार की तरफ से है और प्रदेश सरकार की तरफ से है। उसमें हमारी सरकार जो है वो सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर है, उसे कम से कम करने के लिए आज विद्यालयों में असेंबली के समय बच्चों को शपथ दिलाने के लिए हम लोग कई विद्यालयों में अपने विभिन्न सब कर्मचारियों को भेजे थे और मैं स्वयं जो है चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल में गया था असेंबली के समय, वहां बच्चों को जा करके उनको यातायात नियमों को पालन करने के संदर्भ में शपथ दिलाई गई है। स्कूलों को इसलिए कि स्कूलों में बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े ही सेंसिटिव होते हैं और उनको जब कोई शिक्षा दी जाए, किसी तरह का ज्ञान दिया जाए तो एक तरह से ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यालय में आते हैं तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। वो कल को बड़े होंगे तो फिर समझेंगे कि हमको पढ़ाया गया था विद्यालय में यातायात नियमों का, तो वह उसका पालन ज्यादा सुनिश्चित करेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी बच्चे ज्यादा करेंगे। तो जो है गाड़ी के नियमों का पालन, यातायात नियमों का पालन न करने के कारण होती है। उसमें जो 5-7 जो मुख्य मुख्य जो नियम है कारण है कि एक तो बच्चे या कोई वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल चैनल कान में लीड लगा रहते हैं, उसके वजह से जो उनको उस ध्यान सारा उसी पर केंद्रित रहता है और कुछ उनको दिखाई नहीं देता है, पीछे सुनाई देता है। दूसरा से हेलमेट न लगाने की वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। सीट बेल्ट न लगाने, नशे में बहुत वाहन चलाते हैं, नशे में चलने की वजह से जो है वो उनको पता ही चलता है कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसी वाहन से टकरा जा रहे हैं। फिर ओवरटेकिंग करते हैं, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं। ओवरटेकिंग का क्या नियम है, किसी वाहन को ओवरटेक करना है, पास करना है तो उसको लेकर क्या नियम है, उसका पालन नहीं करते हैं। ओवरटेकिंग के समय अक्सर जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं, टकरा जाते हैं लोग। तो ये जो है नियम है जो छोटे मतलब मौलिक जो 5-7 नियम है उसके वजह से स्टंटबाजी बच्चे करते हैं आजकल। इस मोटरसाइकिल से अक्सर जो है देखने को मिलता है कि जहां सड़क अच्छी है वहां बच्चे जो है मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी करते हैं, तेज गत से चलाते हैं, हाथ छोड़ चलाते हैं, पूरे वाहनों को लहरा कर चलाते हैं, उसमें सब दुर्घटनाएं हो जा रही है। तो ये जो रीजन्स है, जो 5-7 रीजन है, इन्हीं सबों को कम करने मतलब समझाने के लिए कि उसके प्रति जागरूक हो, पब्लिक जब जागरूक होगी और जन आंदोलन का रूप लेगा हमारा ये अभियान, तभी जाकर हम लोग को सफलता मिलेगी। वैसे तो हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं, प्रवर्तन कार्रवाई से उतना प्रभावी पूरे जिले में हो सकता है, बल्कि जन आंदोलन का रूप लेने के लिए इसीलिए हम लोग विद्यालयों में घूम घूम कर जा रहे हैं ताकि बच्चे अपने अपने घरों में कम से कम बताएंगे कि आज फला अधिकारी आए थे, मेरे वहाँ परिवहन विभाग के ये कर्मचारी आए थे परिवहन विभाग के, कि तो हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है कि यातायात के नियमों के बारे में बताया है, हेलमेट के बारे में बताया है, लीड न लाने बताया है, हाँ, तो ये सब चीजें बच्चों पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती हैं। तो इसी को दूर दराज तक फैलाने के लिए बच्चों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, स्कूलों का उपयोग कर रहे हैं, समाज सेवी संगठनों का उपयोग कर रहे हैं। बड़ी मेहनत के बाद शहर के नरौली तिराहे का सुंदरीकरण हुआ था और नाम तिरंगा तिराहा रखा गया था। यहां तिरंगा लगा था लेकिन आजकल तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला है कि पिछले दिनों आई आंधी में तिरंगे का एक कोना फटा तो पालिका प्रशासन ने इसे उतरवा दिया था। अब नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शीला श्रीवास्तव की ओर से पालिका बोर्ड के सामने नया प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कहा गया है कि अब केवल राष्ट्रीय पर्व पर ही तिरंगा लगाया और फहराया जाएगा। क्योंकि आंधी और बारिश में अक्सर तिरंगा फट जाता है, काफी महंगा होने के कारण तिरंगा परमानेंट तरीके से नहीं लग पाएगा। हालांकि जनता बेचैन है कि तिरंगा कितना जल्दी लग जाए। नरौली का तिरंगा तिराहा आजकल उदास है। उदास है यहां के लोग जिन्हें हर वक्त तिरंगा दिखाई दे रहा था। लोग कह रहे हैं कि तिरंगा फिर लगाया जाए, यहां का पार्क भी दुर्दशा का शिकार है, उसे भी ठीक कराया जाए। पास में ही स्थित सनराइज फर्नीचर के मालिक मोहम्मद अतहर ने अपनी बात रखते हुए एबीसी चैनल से कहा कि जब तिरंगा लहराता है तो हमें बहुत ही गर्व होता है। देश की यह शान नरौली की शान बन चुका है, लिहाजा तिरंगा फिर से लगाया जाए। ये जो आप झंडे के बारे में बात कर रहे हैं तकरीबन एक हफ्ते से नहीं है और
रहता है, सूना सूना लग रहा है, नहीं है, और जाहिर सी बात है जब लगा होता है तो गर्व महसूस होता है अभी तो। लेकिन हम तो जो है थोड़ा बाहर थे किसी काम से, अभी आए देखे हैं तो यहाँ पे जो है ना तो घास भी सूखी हुई है, ना फवारे चल रहे हैं, ना लाइटें चल रही है, दुर्दशा होती जा रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जो है दुर्दशा हो रही है। आप खुद जो है दिखा सकते हैं लोगों को टीवी पे, देखिए कितनी घासें वगैरह सब सूख गई हैं। जब लगा था तो अच्छा लग रहा था, खूबसूरत दिख रहा था, लोग जो है देखने के लिए आते थे कि भाई चलो नरौली पे जो बड़ा तिराहा बना हुआ है, तिरंगा तिराहा, खूबसूरत दिख रहा है। अभी तो घासें वगैरह सूख गई हैं, कोई आता ही नहीं है। हाँ और क्या, आते थे पहले सेल्फी लेने के लिए, अभी तो कोई नहीं आता है। हम चाहते हैं कि फिर से वो पहले जैसा हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। पीसी चैनल ने नरौली पर पहुंचकर स्थानीय दुकानदारों, राह चलते लोगों से बात की तो सभी का कहना था, यही जुबां पर था कि नरौली का तिरंगा यहां की शान है, इसे फिर से लगाया जाए, वह भी जल्द से जल्द। झंडा लगा है हमारे देश का शान है तिरंगा, और फुहारा यहाँ लगवा दिया जाए तो अच्छा है। नहीं, यहाँ हर चीज लगा हुआ है, तो आज इसकी दुर्दशा क्या है, क्या है इसकी दुर्दशा? फुहारे लगा है, पानी उसमें नहीं है, फुहारा लग जाएगा तो तिरंगा था। कभी तिरंगा नहीं है यहाँ पे, तिरंगा कभी एक हफ्ते से नहीं है। तब क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या है? ये नहीं लग रहा। और लगा रहा था क्या था, कैसा लग रहा था? लगा रहता था तो स्वभाव उसका बढ़ा था, ठंडा रहता तो अच्छा लगता है, ठंडा नहीं तो एकदम बेकार लगता है। ठंडा जो कि हमारे देश की शान है, तिरंगा हमारा देश का शान है। जब भी लगा था तो कैसा गर्व महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा लगता है, गाना भी फड़फड़ाता है, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। क्या चाहते आप लोग? चाहते हैं कि क्या रंग की झंडा यहाँ लगे, फड़फड़ाए तिरंगा हमारा देश का। देश के 56 ग्रामीण बैंकों में कार्यरत 85,000 कर्मचारियों के पेंशन मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 अप्रैल के अपने फैसले में पूर्व पारित राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बहाल करते हुए भारत सरकार की याचिका को निरस्त कर 3 माह के अंदर ग्रामीण बैंक कर्मियों को पेंशन लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ग्रामीण बैंक कर्मियों में हर्ष व्याप्त है। गुरुवार को आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यालय पर बैंक कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री राघवेंद्र राय ने कहा कि वर्ष 2012 में भारत सरकार ने याचिका दायर किया था, जिसे निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों के हक में फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि पेंशन व्यवस्था 29 अक्टूबर 1993 से लागू होगी एवं 1 अप्रैल 2010 के पश्चात सेवा में आए कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। श्री राय ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की अपील किया। आज की प्रेस वार्ता जो है ग्रामीण बैंक कर्मचारी और अधिकारियों को जो पेंशन की मांग थी, और मामला सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न हाई कोर्टों से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 25 अप्रैल 2018 को यह कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कर्मचारियों के हित में जो पेंशन का मामला है, राजस्थान हाई कोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के डिसीजन को देश की सर्वोच्च अदालत बहाल करती है, और 90 दिन के अंदर ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान को सरकार सुनिश्चित करे। 196 ग्रामीण बैंक थे, और 2 अक्टूबर 1975 को देश की मरहूम प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना
का बिल देश की संसद में 2 अक्टूबर 1975 को लाया और देश के अंदर 1976 में 5 ग्रामीण बैंक पहली बार खोले गए, आजमगढ़ का संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर का गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक और 2 अन्य। यह ग्रामीण बैंक पहले राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन प्राप्त करता था, लेकिन पेंशन के मामलों में सरकार ने कहा कि 1000 से कम यूनिट जहां है वहां उद्योगों के बराबर पेंशन दी जाएगी और ईपीएफ एक्ट 1856 जो है लागू होगा, जिसमें हमको जो है 1800 रुपए पेंशन मिलती थी। इस दमन के विरोध में हमने एक रिट याचिका 2005 में लगाई, जिसमें जो है एनएल जोगी जी जो पेंशनर समिति के अध्यक्ष थे उनकी रहनुमाई में हमने यह मुकदमा लगाया राजस्थान की सिंगल बेंच में। गवर्नमेंट ने मुकदमा हारने के बाद डबल बेंच में अपील किया, लेकिन उस अपील को निरस्त करते हुए जो है कोर्ट ने कहा कि आप पेंशन का भुगतान 90 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। भारत सरकार जो तत्समय थी काम कर रही, उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP लाएंगे और वह SLP जो है 39288 सन 2012 सरकार ने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों तक लंबित रहने के बाद अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल दिनांक 25 अप्रैल 2018 को कहा कि आप द्वारा दाखिल SLP संख्या 39288 सन 2012 जो है इसको जो है सिरे से खारिज किया जाता है और इसमें जो तमाम बैरियर्स आपने लगाए हैं इसको निरस्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल बेंच फिर राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच के जो डिसीजन है उसको बहाल किया जाता है और भारत सरकार को निर्देशित किया जाता है कि 90 दिन के अंदर जो है ग्रामीण बैंकों में पेंशन भुगतान सुनिश्चित करें। कि यह जो पेंशन व्यवस्था होगी ग्रामीण बैंक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगी। 29/10/1993 चेक डेट इसकी है, 29/10/1993 से लागू होगी और जो नए बच्चे इस बैंक में अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं वह 1/4/2010 के पश्चात जितने भी लोग सेवा में आए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। देवान में जो आदेश आया है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मेरी अपील है, वित्त मंत्री अरुण जेटली से अपील है मेरी कि जैसे चंद्रशेखर जी ने वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लंबित पड़े वेतन मान को डायरेक्शन जारी कर दिया कि 30 दिन के अंदर लागू करके PMO कार्यालय को सूचित करें, मोदी जी से मेरी अपील है कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का, वह अविलंब 90 दिन के पहले ही ग्रामीण बैंक कर्मियों की इस पेंशन के आदेश को जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसका सम्मान करते हुए यह लागू कर दें। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय गुजुकाई कराटे के चेयरमैन राजेश रंजन मौजूद रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चेयरमैन राजेश रंजन ने कहा कि जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिस प्रकार से सीमित संसाधनों में बैडमिंटन खेल की गतिविधियों को सुव्यवस्थित संचालित किया जा रहा है वह सराहनीय है, साथ ही जनपद के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय क्षेत्र पर जनपद का मान बढ़ा रहे हैं उससे साफ है कि यहां अकूत प्रतिभाओं की खान है। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि आजमगढ़ बैडमिंटन जगत के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे बीच हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हिंदुस्तान के कई प्रदेशों विशेषकर महाराष्ट्र गुजरात आदि के लिए तो काम करते ही थे, उन्होंने आजमगढ़ बैडमिंटन खिलाड़ियों को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल कर हमें जो सम्मान दिया है हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक एवं प्रशिक्षक अजेंद्र राय ने बताया कि इस शिविर में कुल 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया तथा इन्हें शिविर के दौरान सुबह के सत्र में फिजिकल फिटनेस तथा स्ट्रोक्स एवं शाम के सत्र में स्किल क्षमता और गेम्स की ट्रेनिंग दी गई।
कई सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से आजकल संभागीय परिवहन विभाग राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। मकसद यही है कि लोग जागरूक हों और किसी तरह बेतहाशा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता के ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाहन चालकों को जोड़ा जा सके। जनता तक, खासकर वाहन चालकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी दरोगा सिंह ने की खास बातचीत एबीसी चैनल के साथ। उन्होंने बताया कि हर साल मार्ग दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की जान चली जाती है। दुर्घटनाओं में व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार ही प्रभावित होता है। हमारी कोशिश है कि लोग जागरूक हों, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें, यही सब समझाना ही 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य है। 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, यह हर साल हालांकि मनाया जाता है, मगर इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में या हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और उनके इस दुर्घटना से होने वाली दुर्घटनाओं से तरह तरह की परेशानियां उस परिवार को झेलनी पड़ रही है जिसके परिवार के लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है और सरकार को भी उसको इकोनॉमिकल आर्थिक क्षति सरकार को भी होती है और उस परिवार को भी होती है। तो सरकार इसी के तहत जो है कृत संकल्प है कि हमको सड़क में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही मतलब कम से कम कर देनी है परसेंटेज। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है 3% की कमी आई है पूरे भारतवर्ष में और फिर भी जो है दुर्घटना मरने वालों की संख्या हमारे इस पूर्वांचल में बहुत ज्यादा हो रही है और इसी को कम करने के लिए हम लोग तो समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं, प्रवर्तन कार्रवाई करते रहते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगा के चलने के लिए, हेलमेट लगा के चलिए, मोबाइल से बातें न करिए, नशे में वाहन को मत चलाइए, ओवरटेक करते समय सावधानी बरतिए, ओवरटेक गलत ढंग से ओवरटेक मत करिए, ये सब चीजों पर हम लोग प्रवर्तन की भी कार्रवाई करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं, परंतु उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है। इसलिए फिर इस सप्ताह में हम लोग जो है एक कार्यक्रम बनाए हैं पर डे के चार्ज प्रतिदिन हमको क्या करना है, उसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं, जो समाज सेवी संघ हैं, एनजीओ हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, पेट्रोल पंप संघ वाले हैं, हमारे मोटर ट्रेनिंग स्कूल के लोग हैं, डीलर्स भी हैं हमारे हैं और विभिन्न संस्थाएं और भी जो समाज के क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करती हैं। आरटीओ दरोगा सिंह ने बताया कि प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, यहां तक कि मंडलायुक्त महोदय सड़क सुरक्षा सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी जागरूकता कार्यक्रमों में रहेगी। इसमें स्पेशली हमारे माननीय आयुक्त महोदय की बहुत रुचि है, उन्होंने 23 तारीख को जब मीटिंग शुरू हुई थी तो उसमें भी उन्होंने काफी सुझाव दिए थे, पुनः उन्होंने कल फिर शाम को 5 बजे इस संदर्भ में जो है जितने जनप्रतिनिधि हैं और एनजीओ हैं और समाज सेवी संगठन हैं सबको बुलाकर फिर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप लोग जो है इस आंदोलन को, सड़क सुरक्षा के आंदोलन को लोगों में फैलाने के लिए एक जन आंदोलन का स्वरूप उसे दिया जाए ताकि लोगों में एक स्वतः प्रेरणा जागृत हो। प्रवर्तन की कार्रवाई से जितने इफेक्टिव असर नहीं पड़ेगा उतना वो स्वतः कार्रवाई यदि करेंगे, स्वतः उनके अंदर जागरूकता पैदा होगी तो उसको वो समझेंगे कि हाँ ये मेरे लिए ही किया जा रहा है, मेरे समाज के लिए किया जा रहा है, मेरे बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो वो आगे आकर के इस कार्य को और बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। आजमगढ़ में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने में फिसड्डी साबित हो रहा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय छात्र छात्राओं पर लगातार नए नियम कानून और निर्देश थोपता जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव रतन सिंह ने बताया कि वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों के बैंक खाते ट्रांजेक्शन फेल पाए गए हैं। भुगतान खाते में न पहुंचने से पुनः डिटेल मांगा गया है। आगामी 30 अप्रैल तक हर हाल में अभ्यर्थी जानकारी उपलब्ध करा दें।
यदि लाभार्थी बैंक खाता अपडेट नहीं कराते हैं तो इसकी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलिएटेड टू CBSE एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास 9 एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटीज रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड, स्पेशल क्लासेस फॉर NTSC, ओलंपियाड, म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर कैरिंग स्टेबल एनवायरमेंट, प्रोवाइड एन एनवायरमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैनर, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। अवर टीम वी सेलेक्ट क्रिएटिव एंड स्किल्ड टीचर्स हु इम्पार्ट क्वालिटेटिव लर्निंग। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Asamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of the students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asamgarh. Aratadhya Jewelers, Agrasen Degree College ke samip, Katra Saray, Ajamgarh. Shadi ke gehne, party ke gehne, diamond ke gehne, to sone chandi ke gehne. सब कुछ एक ही दुकान पर, आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदुपुर, आजमगढ़।
रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगर जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्प्लाइस, होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, BFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।